2 मिनट के बाद कॉपी करिएगा, मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए, जरा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, इट इज जस्ट डिफाइनिंग टर्म्स ऑफ एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, मतलब वो कितना एब्जॉर्ब करता है उस पर डिपेंड करता है। फैक्टर देखिए, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ गैस पे वैसे तो एक बेसिक आपको याद रखना है, लाइक डिसॉल्व लाइक, आपको बताया था केमिकल बॉन्डिंग में, याद आ रहा है आपको? यस सर, उसको ही यूज कर रहे हैं आगे भी हम। द गैस विच इज इजिली लिक्विफाइड आर मोर सॉल्युबल, जो गैस जितनी आसानी से लिक्विफाइड हो जाएगी वो उतना ज्यादा सेलेबल होगी। अब ये स्टेटमेंट तो नहीं पूछा गया पर एग्जाम्पल पूछा गया, और आप 100% गलत दोगे अगर आपसे ये पूछा जाए कि CO2 और O2 में ज्यादा सेलेबल कौन सा है, तो आपका आंसर कभी भी O2 नहीं होगा, आपका आंसर हमेशा CO2 नहीं होगा, आपको कभी नहीं पता है। अभी मैं बता रहा हूँ तो आपको अजीब ही लग रहा होगा, आपके दिमाग में तो है कि ऑक्सीजन ज्यादा सेलेबल है, क्यों भाई? हाँ सर, पर वो लिक्विफाइड वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से CO2 होगा, वो समझा। आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं आता है तो हर हाल में ऑक्सीजन सेलेबल लगने वाली है आपको, और आपके पास कोई रीजन नहीं है, बस आपके पास फिजूल के एग्जांपल्स होंगे, अरे वाटर में सेलेबल होता है, एक्वाटिक एनिमल सर्वाइव करते हैं, वो लॉजिक बराबर है, पर उससे ये प्रूव नहीं होता कि कौन ज्यादा सेलेबल है। पर ज्यादा पूछा जाएगा तो कैसे पता चलेगा? लिक्विफिकेशन से। मैं आपको इसका एक डिसेंट एग्जाम्पल देता हूँ राइट नाउ। आपको पता है कि ऑक्सीजन का कितना बड़ा इश्यू चल रहा है पैंडेमिक टाइम में, पता है सबको? हाँ सर। और उसके बाद आपको थोड़ा सा मैं केवल याद रहे आपको इसके लिए मैं बता रहा हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट को ऑक्सीजन जो है नहीं मिल पा रही थी, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें दे रही थी और वो नहीं ले पा रहे थे अपनी ऑक्सीजन, पता है क्यों? किसी को आइडिया है कि बार बार ऐसा बोला जा रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो उन्हें ऑक्सीजन दे रही है पर वो अपना ऑक्सीजन ले नहीं पा रहे हैं, मतलब अपना शेयर ऑक्सीजन का वो कलेक्ट नहीं कर रहे हैं? अरे यहीं से लॉजिक लगना है, लेकिन ऑक्सीजन का बहुत डिफिकल्ट है। तो जब लिक्विफिकेशन आपने कर दिया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें लिक्विड ऑक्सीजन दे दी,
पर आपको उस लिक्विड ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए स्पेशल टैंक चाहिए जहां वो टेम्परेचर मेंटेन रहे, बात समझे, जहां पे टेम्परेचर मेंटेन। आपने सुना हो क्रायोजेनिक टैंकर बोला जा रहा था, क्रायोजेनिक टैंकर सुना था किसी ने कि नहीं न्यूज में? हाँ सर सुना। हाँ सर, क्रायोजेनिक का मतलब होता है लोअर टेम्परेचर वाले टैंकर, जहां पर आप कैरी करोगे और अगर आपने टेम्परेचर उसका चेंज कर दिया तो वो वापस से गैस बन जाएगी। इसीलिए ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए बहुत स्पेशल टैंकर की जरूरत पड़ रही थी, और वही एक रीजन था कि मैन्युफैक्चरिंग तो हो जा रही है पर ट्रांसपोर्टेशन डिफिकल्ट हो रहा है। चलिए आगे आते हैं। द गैस विच रिएक्ट इजिली विद सॉल्वेंट, जो भी गैस रिएक्ट करती है वो सेलेबल होती है, ये हमें पता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल अमोनिया का है, NH3 में वाटर डालो NH4OH बन जाता है, और HCl तो 100% आपको पता होगा, आप HCl नहीं यूज करते, आप HCl aqueous यूज करते हो ना? Yes, sir. Aqueous यूज कर रहे हो, इसका मतलब सेलेबल है। तो ये दो पॉइंट सपोर्ट करते हैं। फिर और भी इंटरेस्टिंग है, ये और भी ज्यादा बुरा लगता है कि O2, N2 एंड CO2 मोर सेलेबल इन एल्कोहल। मतलब हम N2 की बात हटा दें, सिर्फ O2 की बात करें, और आपसे पूछे पानी में सेलेबल है कि अल्कोहल में सेलेबल है, तो आपका आंसर पानी होगा, अल्कोहल नहीं होगा। लेकिन ये किसमें ज्यादा सेलेबल है? अल्कोहल में। लॉजिक चाहिए, लॉजिक है हमारे पास। आप बताओ ऑक्सीजन का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो की नॉन जीरो? जीरो। जीरो तो पोलार है कि नॉन पोलार? नॉन पोलार। नॉन पोलार। तो किसमें सेलेबल होना चाहिए, पोलार में कि नॉन पोलार? नॉन पोलार। नॉन पोलार में। और अल्कोहल क्या है? नॉन। पानी तो पोलार है। लॉजिक समझ में आया? हाँ सर। यस सर। हाँ, तो बहुत मतलब छोटी सी बात है, लेकिन मतलब ऐसे क्वेश्चंस हैं ना जो गलत होने तय हैं, क्योंकि आपके दिमाग में इमेज सेट हो गई है विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। टेम्परेचर की बात करें तो मोस्टली डिक्रीज कर देता है सेलिबिलिटी, लॉजिक चाहिए। चलो आप जरा यहाँ पर देख करके बताओ कि क्या कोई केमिकल बॉन्ड बना है। ये सारे फिजिकल लिंकेज हैं, सेलिबिलिटी क्या है यहाँ पे, फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिजिकल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, बात समझ में आ रही है? और फिजिकल बॉन्ड ब्रेक तो टूट गया। एक और आपको इसका एक लाइव एग्जांपल में बताऊंगा, और पहले आगे का बता दूं, प्रेशर जनरली इंक्रीज करता है, इसे हेनरीज ने एक्सप्लेन किया, HENRY लिखा हुआ है, हेनरीज लॉ। सेलेबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस विद प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने से सेलेबिलिटी बढ़ती है। एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, बोला एक्स क्या है, मास ऑफ गैस डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम, प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, कांस्टेंट KH लगाया, KH इज हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। इसे कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको और एग्जांपल्स बताता हूँ।
सर हो गया हो गया देखिए जरा कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ अभी के टाइम पे तो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे सर। एग्जांपल लिमिटेशन क्या है, प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए और कोई स्ट्रॉन्ग केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। तो अगर केमिकल रिएक्शन होगी तो आपको पता है फिर वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगी, वो रिवर्सिबल नहीं रह पाएगी, राइट। ये बेसिक कंडीशन है। एग्जाम्पल्स में सॉफ्ट ड्रिंक, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको सॉफ्ट ड्रिंक क्यों अच्छी लगती है, सॉफ्ट ड्रिंक क्यों ठंडा पीते हैं, आप बता सकते हैं सॉफ्ट ड्रिंक ठंडा क्यों चाहिए, गर्म क्यों नहीं चाहिए? ठंडे में CO2 ज्यादा डिसॉल्व होता है, आसानी से डिसॉल्व हो सकता है। हाँ, हाँ बोलिए। टेस्ट आती है वो ठंडा पीने। हाँ, एक्चुअली आपको जो सॉफ्ट ड्रिंक में टेस्ट अच्छा लगता है वो टेस्ट है CO2 का, ठीक। इस CO2 को सलेबल करने के लिए आपको पता है प्रेशर हाई और टेम्परेचर लो चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? इसलिए कंपनी क्या करती है, इसमें हाई प्रेशर में गैस भरती है और उसके बाद उसको ठंडा करने के लिए बोलती है। अब आप इस चीज को अगर उल्टा कर दो, उल्टा कर दो का मतलब कि जैसे हम लोग जनरली करते हैं, आपके घर में अगर बड़ा वाला बॉटल आता है 2 लीटर वाला, आपने उसको खोला, खोल के आपने एक गिलास निकाला और थोड़ी देर के बाद बंद करके उसको फिर से ठंडा कर दिया, तो क्या आपको वो टेस्ट मिलता है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मिलता है? नहीं सर। सबसे अच्छा जो चीज, मतलब बेसिक ऑब्जर्वेशन, बेसिक स्टेटमेंट पब्लिक का है कि 200 ml वाली बोतल जो है उसमें टेस्ट बिल्कुल अलग होता है, वो 2 लीटर वाली जो है वो सस्ती पड़ती है, उसमें वो टेस्ट नहीं आता है, है कि नहीं? पर लॉजिक क्या है, लॉजिक ये नहीं है कि टेस्ट नहीं है, टेस्ट है। आपको जो बोतल मिलती है, आप बताओ मुझको, वो 200 ml वाली हो या 2 लीटर वाली, खाली तो सिर्फ इतनी होती है ना। अब आप बताओ गैस किसमें ज्यादा होगी, 200 ml में कि 2 लीटर? 200 ml में, मतलब रेशियो ज्यादा हो जाएगा, रेशियो ज्यादा हो जाएगा, तो टेस्ट आपको जो मिलने वाला है, जो फिज आपको मिलने वाला है 200 ml में मिलने वाला है। दूसरा एक बात जो है कि 200 ml वन टाइम कंज्यूम होती है और 2 लीटर वाली आप कितने भी अटेम्प्ट खोलते हो, जितने अटेम्प्ट आप खोलते हो उतने अटेम्प्ट गैस लीक आउट होती है, बाहर जाती है, ठीक है। तो सॉफ्ट ड्रिंक इसी बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है। स्कूबा डाइवर्स आपको पता है, आपने सोच सकता कुछ लोगों ने किया भी हो, ठीक है। उनके साथ एक प्रॉब्लम क्या होती है कि जब डाइव करके वापस आते हैं ना तो उनके बॉडी पेन बहुत होता है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा, ठीक है, बॉडी पेन बहुत होता है, कोई बताएगा क्यों बॉडी पेन होता है? तो शायद हम वेट्स लेके नीचे जाते हैं ना, तो उसमें होते हैं। क्या लेके नीचे जाते हैं? तो जब हम डाइव करने जाते हैं तो बॉडी पे वेट्स अटैच करके जाते हैं।
नहीं यहाँ तो नहीं हुई। पानी का प्रेशर, पानी का प्रेशर क्या होता है सर? वो लगता है इसलिए। देखो ये फील आपने लिया नहीं, लेकिन मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ। स्विमिंग पूल में भी ना अगर थोड़ा ज्यादा देर तक स्विम मत करो, केवल पानी में रहो, केवल पानी में रहो ना, और निकलोगे ना तो आपके ना मतलब बेसिकली जो ब्लड वेसल्स हैं, जो नर्व्स हैं ना, उसमें एक अजीब सा पेन होगा, टाइटनेस आ जाएगी। मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ कि क्या होता है। लो प्रेशर होता है, आप नीचे जाएं या ऊपर जाएं, दोनों तरफ प्रेशर लो होता है। प्रेशर लो होने की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन अगर कम हो गया, प्रेशर से रिलेट कर रहे, तो अगर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया तो टिश्यू एक्सचेंज कम कर पाएंगे। जो टिश्यू एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन का, वो एक्सचेंज कम कर पाएंगे। और अगर एक्सचेंज नहीं होगा तो बॉडी के अंदर नाइट्रोजन रह जाएगी। ऑक्सीजन तो सरवाइव करने के हिसाब से इन आउट हो जाएगी, पर अंदर नाइट्रोजन रह जाएगी। और अगर अंदर नाइट्रोजन रह गई तो नाइट्रोजन के बबल्स बन जाते हैं, और वो बबल्स बनने के बाद आपके लिए पेनफुल स्टेट हो जाती है। ये किया है, ये कर पाते हैं हम लोग, ये करते हैं क्यों भाई? ये क्या था, ये आवाज क्यों आती है ऐसा करने से? आती है ना आवाज? नाइट्रोजन वहां रह जाएगी, ठीक है? तो यही स्टेज है, जब रह जाएगी तब आपको पेन होगा। आपका ऐसा करने का मन कब करता है? एनी टाइम तो नहीं करता होगा, जब ज्यादा काम भी हो, लिखा भी हो, लिख लिया, जब टिश्यू थक जाएंगे तब ये मन करेगा। तो वो जो आवाज है वो नाइट्रोजन, वही चीज बॉडी में होती है। तो इस चीज से बचने का एक उपाय भी है। मतलब मैं डाइवर्स के लिए बात कर रहा हूँ, उनके लिए क्या होता है कि उनको प्योर ऑक्सीजन कभी कैरी नहीं करनी होती है। उनको क्या करना होता है, ऑक्सीजन के साथ हीलियम या फिर नाइट्रोजन ऐसी गैसें कैरी करनी पड़ती है। प्योर ऑक्सीजन लेंगे तो उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। O2 CO2 एक्सचेंज तो हो रहा है, पर हीलियम और नाइट्रोजन होने की वजह से नाइट्रोजन का एक्सचेंज भी हो रहा है। ये डिसॉल्व नहीं है, नाइट्रोजन अगर डिसॉल्व हो जाए तो प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसे ऐसे करने में नाइट्रोजन कहाँ है, तो इसीलिए क्योंकि वो डिसॉल्व नहीं हो रही। तो अनडिसॉल्व गैस इसके साथ एक्सचेंज होती है। अभी हम लोग जैसे आपको पता है पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, तो उसको जो ऑक्सीजन दी जा रही है वो पता है वो 98-99% प्योर दी जा रही है। मतलब कम से कम 95% प्लस दी जा रही है। लेकिन हम लोग एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट ऑक्सीजन लेते हैं? 21। तो हम लोग नॉर्मल कंडीशन में इतने एफिशिएंट हैं कि हम 20% ऑक्सीजन लेते हैं, 78% नाइट्रोजन लेते हैं, बराबर एक्सचेंज कर रहे हैं। आप सोच करके देखो ना, क्या आप ऑक्सीजन थोड़ी ना लेते हो, आप तो एयर लेते हो ना। नाइट्रोजन रिच होता है वो भी। सिस्टम इतना एफिशिएंट है कि नाइट्रोजन ले रहे हैं और नाइट्रोजन निकाल भी रहे हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। लेकिन पेशेंट ये नहीं कर पा रहा है, ठीक है? क्योंकि पेशेंट का एक्सचेंज सिस्टम गड़बड़ हो गया, मतलब लंग्स। तो उस केस में उसको हमको क्या देना पड़ रहा है, प्योर ऑक्सीजन। तो अभी जो पेशेंट को वीकनेस वगैरह आप जो भी आपने सुना होगा, तो रीजन वही है कि वो ब्रीथ नहीं कर रहा है। जो हम लोग प्रॉपर एक्सचेंज कर रहे हैं वो एक्सचेंज नहीं कर पा रहा है बराबर। तो बॉडी में वो सारी चीजें रह जाएंगी और टायर्डनेस रहेगी आपकी बॉडी में। आप थकावट का बेसिक लॉजिक समझ लीजिए। साइंस में टायर्डनेस को डिफाइन करते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन टिश्यू, टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी इज कॉल्ड टायर्डनेस। ये बेसिक टर्म होता है। तो क्यों हो रहा है, अगर वो सेलेबल हो जाए पूरी तरीके से तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो जब आपको टायर्डनेस लगती है, जैसे अभी सबकी हालत, जितने भी लोग लेक्चर में बैठे हैं, आधे सो रहे हैं, आधे जाग रहे हैं, आधे पार्शल मोड में हाँ कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए ऐसे समय में एक्टिव होने के लिए? और पता नहीं पता होता था एक्टिव ऑक्सीजन लेना चाहिए। ऑक्सीजन तो ले ही रहे हो, कौन सा छोड़ दिए तुमने ऑक्सीजन? कहाँ से लोगे? हाँ नहीं, सिर्फ एक काम करिए, आप एक ग्लास ऑफ वाटर लीजिए और उसको पी लीजिए। आपको जैसे ही थोड़ा भी लगे आपको थक रहे हैं, आप एक ग्लास पानी पीजिए, आपको रिलैक्स होंगे। रीजन, ऑक्सीजन सेलेबल है, ऑक्सीजन लिक्विड ऑक्सीजन आपको जाएगी। आपको आप देखो अभी भी आपको फ्रेश फील होगा, पानी पी करके देखो आपको फ्रेश फील होगा।
रीजन ठंडा पानी या नॉर्मल पानी, रीजन फिर से वही सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, हाई टेम्परेचर, बॉइल्ड वाटर लिया तुमने तो ऑक्सीजन नहीं है, तोड़ दे, समझ आया? Yes. अच्छा आप लोग को हम आगे चलते हैं, बहुत पीएचडी हो जाएगी, डॉक्टर बन जाओगे इंजीनियर की जगह। मुझे एरियस पूरा करना है, टेबल बनानी है, फटाफट कॉपी कर लो। ये पार्ट तो हो गया खत्म। इस पे न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हार्डली, अगर कोई न्यूमेरिकल बनता है तो वही फॉर्मूला आपको बताया है, x is equal to KHP, बस वही है। अभी हम बात कर रहे हैं लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की। कोई एग्जांपल बता सकते हैं? सर इथेनॉल वाटर। अच्छा, कैसे पता चला कि आपको आइडियल है वो? नहीं सर, आपने लिक्विड लिक्विड बोला ना बस। अब मैं लिख लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ, थोड़ा थियोरेटिकल है। पानी पी लो जब तक तुम। मैं बता दूं कि क्या लिखा है। An ideal solution is one in which the molecules attract one another with equal force irrespective of their nature. हम ऐसे solution की बात कर रहे हैं या सोच रहे हैं जहां पर उनके बीच का जो attraction होगा वो इस बात पे depend नहीं करेगा कि उनका nature क्या है। Nature का मतलब क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूं। Basic characteristics क्या है, यहां से ही सारी बातें क्लियर होने वाली। ऐसे केस में चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा। चेंज इन वॉल्यूम का मतलब समझ रहे हैं, हमने 100 ml सॉल्यूट लिया, 100 ml सॉल्वेंट लिया, मिक्स किया, सॉल्यूशन कितना मिला? 200 ml, ना 200 से कम ना 200 से ज्यादा।
जितनी एनर्जी थी उतनी एनर्जी मेंटेन रही, यानी चेंज इन एनर्जी जीरो, डेल्टा एच इज जीरो। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। और मस्ट ओबे राउल्स लॉ। राउल्स लॉ क्या है वो आगे हम आपको बताएंगे, स्टार लगाया है मैंने, उसको आगे डिस्कस करेंगे। इस लाइन को छोड़ के बाकी लाइनें समझ में आ रही हैं आपको? Yes, सारा का सारा गेम दो जगह पे आता है इस चैप्टर में। थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है तो थ्योरेटिकल में डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं कोई आपसे, आपसे पूछा क्या जाएगा? एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल्स तो याद कर लीजिए, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ लिखे हैं, बेंजीन, टोलीन, CCl4, SiCl4, एनहेक्सेन, एनहेप्टेन, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। कैसे याद रखेंगे? आपको कोई ट्रेंड दिख रहा है एग्जाम्पल्स में? एक चीज कॉमन है जैसे Cl, N, सर ऐसा कि वो कंपाउंड्स कैटेनेशन कर रहे हैं। नहीं, इसमें बहुत सिंपल चीज है, सेम फैमिली मेंबर्स होंगे तभी ऐसा, सेम फैमिली मेंबर होंगे। और सेम फैमिली मतलब सेम ग्रुप, बेंजीन टोलीन सेम फैमिली, CCl4 SiCl कार्बन और SI एक ही ग्रुप के मेंबर है, हेक्सेन और हेप्टेन दोनों एल्केन है, तो जब सेम फैमिली के मेंबर होंगे तो रिएक्शन होगा ही नहीं। बात समझ में आ रहे हो भाई? थर्ड जो कंडीशन है उसके हिसाब से आप खुद ही देख लो, इनमें रिएक्शन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अभी क्या, अब जो इन कंडीशंस को फॉलो कर रहा है वो तो आइडियल हो गया, जो नहीं फॉलो करेगा वो नॉन आइडियल। तो हमारा ज्यादा डिस्कशन किस पे होगा, आइडियल पे कि नॉन आइडियल पे? नॉन आइडियल। चलो आप कॉपी, नॉन आइडियल। हाँ, जो चीजें इजीली फॉलो हो रही हैं उस पे क्यों टेंशन ही नहीं है हमारा? हो गया? Yes.
देखिए जो भी लिखा है मैं आपको एक बार समझा दूं, बहुत सिंपल सी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है कि अगर हम दो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सॉरी दो लिक्विड की बात कर रहे हैं, लिक्विड ए और लिक्विड बी। जरा आप इधर पे देख लीजिए, बाद में कॉपी करिएगा। हमारे पास लिक्विड ए है, हमारे पास लिक्विड बी। हर लिक्विड का अपना एक वेपर प्रेशर होता है, ठीक है। जिस वेपर प्रेशर को हम पी नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पी नॉट ए पी नॉट बी, ये दोनों का अपना इंडिविजुअल वेपर प्रेशर है। अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर इसमें हमने कोई द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ अ सॉल्यूशन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू द, अब अगर हमको इसका टोटल प्रेशर की हमको जरूरत है तो जो भी टोटल प्रेशर आएगा दैट इज ऑलवेज, देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ अ सॉल्यूशन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉन्स्टिट्यूएंट मल्टीप्लाइड बाई द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंट इन द सॉल्यूशन। तो अगर एक केस में हमको पार्शियल प्रेशर निकालना है तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ क्या बनेगा, जो इसका ओरिजिनल प्रेशर है इनटू मोल फ्रैक्शन होता है, और मोल फ्रैक्शन आपको पता है क्या होता है, मोल्स ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंट अपॉन टोटल मोल्स। तो ये बात समझ में आ रही है यहां से गाइस? यस सर। यस, पार्शियल प्रेशर ए का निकाला, इसी तरह पार्शियल प्रेशर बी का निकालेंगे, और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या होता है कि जो टोटल प्रेशर होगा इनके सम के बराबर होगा, यानी टोटल प्रेशर क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, हमने वैल्यूज पुट कर दी। मैं वापस से रीड कर रहा हूं, किसी को प्रॉब्लम लगे तो बोल दीजिएगा। द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ सॉल्यूशन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉन्स्टिट्यूएंट multiplied by the mole fraction of that constituent in the solution. This one. Vapor pressure of pure constituent multiplied by the mole fraction of that constituent which is present in solution. This is according to Raoult's law. अब आपको बोल रहे हो इसमें ऐसा क्या है, इसमें है हर solution इसको follow नहीं करता। अगर वो ideal है तो इस condition को follow कर रहा है और ये सब कुछ कर रहा है, अगर वो ideal नहीं है तो ये कहीं भी unequal हो सकता है, ठीक है। आप कॉपी करिए, मैं आगे कंपेयर करा देता हूं।
सर डन डन हमने अभी तक जो भी देखा वो सिर्फ और सिर्फ आइडियल के बारे में ही जाना है कि डेल्टा एच जीरो हो डेल्टा वी जीरो हो राउल्ट्स लॉ फॉलो करे. राउल्ट्स लॉ का मतलब इंडिविजुअल जो भी उनका वेपर प्रेशर है उससे जो पार्शियल प्रेशर मिले उसका सम टोटल प्रेशर के इक्वल होना चाहिए. तो ये सब कुछ आइडियल है लेकिन क्या सब सारे सोल्यूशन आइडियल होते हैं? नहीं होते. तो नहीं होते तो क्या पॉसिबिलिटीज है उनकी, उसके बेसिस पे हम आप क्लासिफिकेशन आपको बताने जा रहे हैं. ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट था. मुझे एक टेबल बनानी है, मैं टेबल बना लूं उसके बाद आप लोग कॉपी करिएगा. सर एक डाउट था. बोलिए. तो पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू वेपर प्रेशर क्यों होता है? बट कुछ लॉजिक है उसके पीछे. हां वो तो बिल्कुल लॉजिक, बिल्कुल 100% लॉजिक है. वेपर प्रेशर जो है वो प्योर लिक्विड का होता है. अभी आगे एक टर्म आने वाला है, अब आप पूछ रहे तो मैं बता देता हूं. वेपर प्रेशर तो प्योर लिक्विड का होता है, बात समझ में आती है? अब आपने उसमें कुछ मिक्स किया तो प्रेशर चेंज होना चाहिए कि नहीं चेंज होना चाहिए? तो वो जो चेंजेस है वो मोल फ्रैक्शन के टर्म में डिफाइन. मोल फ्रैक्शन क्या होता है भाई? सब हर कंपोनेंट का अपना अपना पार्ट है ना, तो कौन सा कंपोनेंट कितना वेरिएशन लाएगा दैट इज मोल फ्रैक्शन. और अभी मैं वेपर एक्सप्लेन करूंगा अभी इसके बाद के टॉपिक में. रिलेशन की बात करोगे तो वो तो फिर कैसा है कि अगर एग्जैक्ट फॉर्मूला पूछोगे तो वो तो डिराइव किया गया एक्सपेरिमेंटल.
देखिए जरा, हमने आपको बताया था आइडियल, अब वो जो फॉलो नहीं करता वो नॉन आइडियल। अब जो फॉलो नहीं करता वहां पे क्या होगा? हमने आपसे बोला आइडियल के लिए डेल्टा एक्स जीरो होना चाहिए, डेल्टा वी जीरो होना चाहिए, तो नॉन आइडियल के लिए क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। अब नॉन जीरो में दो पॉसिबिलिटी, या तो ज्यादा हो जाए या तो कम हो जाए। तो मैंने डिफरेंस लिखते समय इस बात का ध्यान रखा है कि आपको ज्यादा याद ना करना पड़े। एक केस है पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा केस है नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव मतलब जहां सब पॉजिटिव हो जाए, देखिए राउल्स लॉ फॉलो, आइडियल करेगा ये और ये नहीं करता। डेल्टा एच जीरो, यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक, यहाँ पर एक्सोथर्मिक। तो अगर एक्सोथर्मिक है इसका मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है कि कम है? बोलिए, अगर हीट लिबरेट हो रही तो इसका मतलब अट्रैक्शन ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है, ज्यादा है ना, बस ये बात याद रखिएगा। आगे चलते हैं, डेल्टा भी यहाँ पे जीरो है, यहाँ डेल्टा भी पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा भी नेगेटिव। इस प्रेशर की जो हमने बात करी थी कि इक्वल होना चाहिए राउल्ट्स लॉ में, जो उस समय आपको नॉर्मल लग रहा था वो नॉर्मल नहीं रहता। पॉजिटिव है तो ज्यादा हो जाता है, नेगेटिव है तो कम हो जाता है। अब जरा सारी बातें जो आ रही हैं वो इस स्टेटमेंट से ही ओरिजिनेटेड हैं। इंटरेक्शन बिटवीन ए ए एंड बी बी इन ए बी शुड बी सेम, यानी दो दो चीजें जो आप मिक्स करने जा रहे हो उनका आपस में जो इंटरेक्शन है वही कंबाइन करने के बाद ही इंटरेक्शन होता है, अगर वो आइडियल है। अब नॉन आइडियल में इंटरेक्शन चेंज होता है। अब इंटरेक्शन चेंज होगा तो क्या होगा? इंटरेक्शन ऑफ ए बी शुड बी वीकर देन ए ए एंड बी बी, इंटरेक्शन कम है तो आपको क्या लगता है, एनर्जी देनी पड़ेगी या एनर्जी ये रिलीज करेगा? देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। तो प्रोसेस कैसा होगा, एक्सो के एंडो, एंडो रिलेट हो रहा है गाइस, रिलेट हो रहा है? हाँ सर। अब इधर देखिए, इधर इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग हो रहा है, इसका मतलब एफिनिटी बहुत है, एफिनिटी बहुत है तो एनर्जी रिलीज करेगा एक्सो, ठीक। अब रही बात एग्जांपल्स की, तो देखो भाई एग्जांपल्स के केस में तो ऐसा है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं सारे। जब तक आप रिएक्शन नहीं पढ़ोगे, जब आप रिएक्शन पढ़ लोगे तो मैं आपको शॉर्टकट बता दूंगा, लेकिन विदाउट रिएक्शन के शॉर्टकट भी नहीं बताया जा सकता। तो अभी फिलहाल के लिए तो मैं बोलूंगा कि भाई पॉजिटिव और निगेटिव के याद रखो, आइडियल का तो मैंने शॉर्टकट आपको बताया ही है। जिस दिन आपको रिएक्शन आ जाएगी ऑर्गेनिक की लिखना, उस दिन मैं आपको इसके शॉर्टकट भी बता दूंगा। ओके सर, चलो करो कॉपी, अच्छे से टेबल बना के करो। और इसमें थोड़ा सा और पार्ट बाकी है डिफरेंस में, मुझे दो ग्राफ और बताने, आप कर लीजिए।
डन सर नॉन आइडियल के पॉजिटिव का सेकंड एग्जांपल उसमें क्या लिखा है क्या बोल रहे हो नॉन आइडियल के पॉजिटिव का सेकंड एग्जांपल एसीटोन प्लस CH2 कार्बन डाइसल्फाइड डन सर सबका हो गया yes. इसी में कंटिन्यूएशन में ही है सर नीचे के लास्ट पॉइंट रहने देना प्लीज ठीक देखिए ये सारी लाइन स्ट्रेट लाइन है मेरी लाइन हो सकता है प्रॉपरली स्ट्रेट नहीं हो पा रही है बट आप स्ट्रेट ही बनाइएगा पेंसिल्स पेन से बनाएंगे तो यहाँ देखिए वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन वर्सेस ग्राफ हमने ड्रॉ किया है कंडीशन हमारी वही जो हमने राउल्ड्स लॉ प्रूव किया था उसी पर ही हम हैं हमने एक्स ए वन लिया और एक्स बी जीरो लिया तो हमारा जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आता है ठीक है राउल्ड्स लॉ के अकॉर्डिंग ये ग्राफ बनेगा पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी ठीक है ये पी नॉट बी पे टच कर रहा है जब हमने यहाँ पर इसका जस्ट रिवर्स कंडीशन लिया एक्स ए जीरो और एक्स बी वन तो हमारा ये ग्राफ बनता है पी नॉट ए जैसा राउल्स ने बोला था कि सम ऑफ बोथ द प्रेशर शुड इक्वल तो पी इज इक्वल टू पी ए और पी बी होना चाहिए अब आप पी ए की जगह पे पी नॉट एक्स ए पी बी की जगह पी नॉट और एक्स बी लिख सकते हैं ये बेसिक फॉर्मूला है जो हमने राउल्स लॉ से सीखा हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है ही नहीं हमारा क्वेश्चन आगे के लिए अब अगर ये पॉजिटिव डेविएशन दिखा दे तो ग्राफ कैसा होना चाहिए ज्यादा ज्यादा तो अगर ये और ये ज्यादा है तो टोटल प्रेशर भी ज्यादा होगा कि कम होगा ज्यादा ज्यादा तो मैं एक ही ग्राफ में ये सब कर रहा हूं आप सेपरेट बनाइएगा तो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हमारी वैल्यूज क्या होंगी उससे ज्यादा यानी ग्राफ पॉजिटिव हो गया ठीक तो ग्राफ ऐसा बनेगा अब मैं ब्लू मार्कर से दिखा रहा हूं आप अलग से बनाओगे तो अलग ही दिखेगा
ठीक है। अब अगर इसी तरह नेगेटिव डेविएशन होता तो क्या होता ग्राफ? क्या हो जाएगा? अरे कम। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके नीचे ड्रॉ करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? Yes. मैंने देखो एक ही ग्राफ में तीनों चीजें दिखाई हैं, आपको सेपरेट बनाना है। अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको बनाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे ड्रॉ करिए, इस पर न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, अभी हम आपको कराएंगे क्वेश्चंस कि कैसे होते हैं। कर लीजिए ड्रॉ, इसी के कंटिन्यूएशन में ही है, आइडियल में पॉजिटिव नेगेटिव। हो गया सबका? सर दो मिनट कर ली।
डन गाइस यस सर देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है वेपर प्रेशर ऑफ C2H5OH एंड CH3OH आर 44.5 एंड 88.7 mmHg एंड आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म बाय मिक्सिंग 60 ग्राम ऑफ इथेनॉल एंड 40 ग्राम ऑफ मीथेनॉल कैलकुलेट टोटल प्रेशर आपको समझना है पहले कि सॉल्यूशन बाय नेचर कैसा है और नेचर समझने के बाद उसके ऊपर अप्लाई करना है
फर्स्ट क्वेश्चन हुआ भाई? दोनों दोनों हो गए? चलो बताना शुरू करो। पहले वाले में क्या किया? पहले हमने ग्राम दिया था, दोनों के मोल्स निकाले। मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट करो। 46 और 30। इसका 46 और इसका 32। यस यस। तो डायरेक्टली देते हैं 44.5 इनटू मोल फ्रैक्शन चाहिए तो 46 अपॉन 60 अपॉन 46 अपॉन 46 plus 40 by 32 plus 60 by 36। यही किया होगा हम सबने। यस यस। क्या है फाइनल आंसर बोल दो। सर मुझे तो 66.6 आ रहा है। 66 आ रहा है। 0.5 सर। मैं भी देखूं क्या गिवन है ऑप्शन में। कितना रहा? 66.6 आ रहा है। 66.13 आ रहा है ऑप्शन। 66.2 आ रहा है। चलो ठीक है 66. तो ऑप्शंस क्लोज है क्या? नहीं क्लोज नहीं है, इसीलिए तो बोल दिया कि सेकंड आप कैलकुलेशंस की थी इसीलिए। हां वो भाई अप्रोक्स ले लिया होगा क्योंकि कैलकुलेशन पर है कॉम्प्लिकेटेड, सबको डिवाइड करना पड़ेगा। इधर बताइए क्या किया है, ये थोड़ा डिफरेंट था। तो एक तो ये वेट हो गया आपका, दूसरा वेट ऑफ वाटर होगा वो कितना आएगा? 100 माइनस 28, 72 आ गया। तो मोल्स निकाल के दोनों के, जिसका मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, वेपर प्रेशर ठीक है, टोटल प्रेशर 160। पहला ले लेते हैं हम, इसका फाइंड करना है पीए। इसके मोल्स 28/140 + 72/18, ये आपका एक हो गया। पीवी इज गिवन 150। तो ये हो गया 72/18 + 28/140। ये क्या है? यस यस। 360 point something है, 15। सबको क्लियर है?
देखो जरा क्वेश्चन को. मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर प्रेशर इज एक्स वन एंड लिक्विड मिक्सचर इज एक्स टू. पी नॉट ए इज वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट ऑफ ए एंड पी नॉट बी इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी. आपको टोटल प्रेशर बताना है. सर पी नॉट ए के आगे क्या लिखा है? वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट ऑफ ए. मतलब पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ ए है, प्योर केस में पी नॉट बी वेपर प्रेशर ऑफ बी है. स्टैंडर्ड इतना सोचना क्यों पड़ रहा है? तो फॉर्मूला ही पूछा है ना आपसे. तो हुआ इसमें इतना सोचना क्यों पड़ रहा है? क्या कॉम्प्लिकेशन क्या लग रहा है इसमें आपको? क्यों भाई?
बताएंगे क्या कॉम्प्लिकेशन क्या है? अरे सो गए सब लोग क्या? अमन यस सर सॉल्व किया कि नहीं? सर देखने में तो बेसिक फॉर्मूला लग रहा है लेकिन कुछ तो अजीब होगा क्योंकि इतना आसान थोड़ी। ये क्वेश्चन अजीब था पर अजीब है नहीं। एक्चुअली क्वेश्चन मैंने आपको ऑप्शंस नहीं दिए, ऑप्शंस देखोगे तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। विदाउट ऑप्शन करना है तो कुछ करने के लिए नहीं है, सीधे फॉर्मूला ही बताना है आपको, कुछ भी नहीं है। ऑप्शन देते तो जो ऑप्शन थे ना वो डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं थे, वो डिफरेंट टर्म्स में थे। तो अभी तो कुछ करना ही नहीं है। P not A into X1, P not B into X2, और क्या करोगे? आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हेडिंग डाल के रखिए। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हेडिंग डाल दीजिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट पे स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है गाइस? यस ओके सर। अच्छा बाय। थैंक यू सर।